बताएं। ऐसे ही बात निकली थी तो कुछ सवाल जवाब हम करने लगे थे, हमने सोचा क्यों ना कैमरे के सामने ही हम इनको कर लें। अशोक जी सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आपकी काफ़ी सारी विचारधारा जो है हमेशा आप कहीं कहीं शेयर करते रहते हैं और आपके बारे में सुनने को मिलता रहता है। शुरुआत करते हैं तो सर, आपका जो प्रोफेशन है, आपका करियर है, किस तरह से आप उसको देखते हैं? अभी तो मेरा प्रोफेशन है हेयर ड्रेसिंग का और इसमें मैं अपना काम कर रहा हूँ। और हेयर ड्रेसिंग में क्या क्या डेवलपमेंट्स हो सकते हैं, किस तरह की कंडीशन है, सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी है, उसमें ध्यान देना भी हमें जरूरी होता है। तो जब मैं हेयर ड्रेसिंग को पूरी नेशनल लेवल पे देखता हूँ तो अभी भी जो हेयर ड्रेसर है उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और उनका जो काम है उसमें उनकी जो मेहनत है उसका उसको वाजिब दाम नहीं मिलता है। जब एजुकेशन होगी, सुविधा अच्छी होगी तो अच्छे से उनको सर्विस देंगे। और हमने तो कभी ये भी नहीं सुना कि हेयर ड्रेसर जो है वो इस प्रोफेशन में कप लाएंगे, जो अभी आज जो क्रिकेट में इस तरह के जो कप होते हैं, इस तरह के आप इंटरनेशनल कप भी कराने लगे, इस तरह की इवेंट्स भी होने लगे, तो ओवरऑल कैसा देखते हैं? जब हमने आर्थिक और ये एजुकेशन की हालत देखी ना, उसके बाद हमने प्लान बनाया नेशनल लेवल पे और हमने सभी हेड ड्रेसर ब्यूटिशियंस जितने भी है बगैर किसी जाति और धर्म क्षेत्र को उनको तोड़ते हुए सभी को हमने ऑर्गेनाइज किया, संगठन बनाया और एक एसोसिएशन का गठित किया नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे किया, लोकल लेवल पे किया। जैसे हम ऑर्गेनाइज हुए तो उस एकता की वजह से पूरा हिंदुस्तान में बहुत परिवर्तन आया। हम लोग एजुकेशन पे बात करने लग गए, संगठित होने लग गए, इंटरनेशनल की सोचने लगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या चेंजेज आ रहे हैं, किस तरह से परिवर्तन हो रहे हैं, क्या क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हमें कैसे काम करना चाहिए। आपके प्रोफेशन को काफ़ी ज़्यादा अब सम्मान मिलने लगा है। नहीं, अब तो परिवर्तन इतना है, पैसा भी मिल रहा है और इस प्रोफेशन में सम्मान भी मिल रहा है। और सम्मान लेने के लिए हमें खुद को तैयार होना पड़ेगा। सम्मान कहने से सम्मान कोई नहीं देता है। आप सम्मान पाने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। आज न्यू जनरेशन काफ़ी एजुकेशन ले रही है, अच्छा पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी एजुकेशन लेने के बाद इस प्रोफेशन में आ रहे हैं और जब पूरी दुनिया का जो फैशन चेंज आ रहा है उसको समझ रहे हैं तो उनको पैसा मिल रहा है। पिछले करीब एक साल से आप एक मुहिम भी चलाई है और आपके जो कुछ विचार हमने हमेशा सुने भी हैं, आपने खासकर उन अवार्ड्स को इग्नोर किया है जो खरीदे जाते हैं, यानी कि बाजारीकरण जो हो रहा है अवार्ड का, खासकर उसको लेकर के आपने मुहिम भी चलाई है और आप उससे व्यक्तिगत सहमत नहीं है, तो क्या क्या वजह है और कैसे आप उसको देखते हैं? देखिए, दो धाराएं होती है दुनिया में, अच्छाई की बुराई की। कुछ लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं अपनी सफलता के लिए, कुछ लोग लॉन्ग रास्ते पे जाकर अपने आप को सक्सेस करके और अपना आप एस्टेब्लिश करते हैं। हम जब बच्चों को तैयार करते हैं इंडिया के अंदर, ट्रेनिंग दे रहे थे, एजुकेशन दे रहे थे, आउट ऑफ इंडिया लेके उनको अवार्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, अवार्ड जीत के भी आ रहे थे, तो उसी दौर में दूसरी एक धारा चल पड़ी इंडिया में कि कुछ यूनिट्स लोग इकट्ठा हो गए, अपना एक फाउंडेशन बनाया और एक फिल्म एक्टर्स को बुला रहे हैं या किसी सेलिब्रिटी आर्टिस्ट को बुलाकर बोल रहे हैं कि आपको 50,000, 1,00,000 या 3,00,000, 5,00,000 इसमें आप अवार्ड खरीदिए, आप बेस्ट हेयर एक्सपर्ट भी कहे जाएंगे, आपको बेस्ट मेकअप का अवार्ड मिलेगा। तो ये एक शॉर्टकट है, जिसका पैसा है वो शॉर्टकट अपना के अपना आपको फेमस कर लेता है, उसको फिर मीडिया भी सपोर्ट करता है कि करीना कपूर ने अवार्ड दिया है या फिर किसी एक शिल्पा शेट्टी ने अवार्ड दिया है। तो एक ग्लैमर होता है, ग्लैमर वर्ड, जहाँ पे किसी चीज को खरीदा जाता है। तो एक खरीदने की जो अवार्ड है उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। खरीदने से कुछ नहीं होगा, आपको मेहनत करनी चाहिए। क्या आपने अभी तक पाया है, आपने जो लड़ाई आपकी जो रही थी उसमें अभी तक किस मुकाम पे आप पहुंचे, क्या कुछ लगता है इसमें सुधार आता है? सुधार देखिए, सिस्टम जो होता है हमारा, जो हमारे ढांचा है व्यवस्था का, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो सामाजिक सिस्टम है, हम उससे लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल ब्यूटी इंडस्ट्री के अंदर ऐसे अवार्ड मिल रहे हैं, जितने भी इंडिया की जितनी भी इंडस्ट्री है उस सब में इस तरह के अवार्ड दिए जा रहे हैं। तो लड़ाई व्यवस्था के साथ है और हमारे कहने से, परंतु काफी लोग इससे बचे हैं,
काफी लोग हमें बहुत सारा पूरे इंडिया में एक मूवमेंट वैचारिक आंदोलन चला है उसमें हमने सैकड़ों लाखों लोगों ने भी सपोर्ट किया है। आप जो बोल रहे बहुत अच्छा है और एक ईमानदारी भी कोई चीज़ होती है, भ्रष्टाचार अनैतिकता के खिलाफ बोलना भी कोई बात होती है। और जो हम ब्यूटिशियन हैं एक सौंदर्य के दृष्टिकोण से सोचते हैं तो यहाँ तो सौंदर्य बिक जाता है, ख़त्म हो जाता है, हमारी मानसिक सौंदर्यता जो है सौंदर्य खत्म हो जाता है जो खरीद लेते हैं लोग पीड़ित है। और उन लोगों को अमूमन क्या है कि हेयर फॉल लॉस हो जाता है, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है और उनको वीक वगैरह की जरूरत होती है, तो आपने वो एक मुहिम चलाई थी हेयर डोनेशन की, वो मुहिम क्या है सर जरूर बताया। देखिए आज ब्लड डोनेशन के नाम से किससे आप बात करोगे तो आसानी से ब्लड डोनेशन दे देंगे कोई भी युवा, कोई भी हमारे देश की जनता, क्योंकि ब्लड डोनेशन के लेकर पूरे इंडिया में कैंपेन चला है। कुछ वर्षों पहले डरते थे हम हमारा खून नहीं देंगे, उसी तर्ज पर जब कैंसर से पीड़ित जो पेशेंट्स होते हैं उनकी जो कीमोथेरेपी होती है, जो थेरेपीज और भी कई तरह की थेरेपीज दी जाती है उससे उनका हेयर फॉल हो जाता है। yes. तो वो चाहे महिला है चाहे पुरुष हैं वो गंजे हो जाते हैं, तो एक तरह से तो उनकी बीमारी है, दूसरी तरह से उनका जो चेहरा है उनका जो सौंदर्य नष्ट हो जाता है। तो अभी एक कैंपेन चल रहा है पूरे इंडिया में और काफ़ी सारे फाउंडेशन बने हैं, तो हम भी रोटरी क्लब पन्ना, ऑल इंडिया हेयर ब्यूटी एसोसिएशन और लेग्स ब्यूटी क्लब, सेंचुर कलाकार मंडल, जिस प्रोफेशन से जुड़े हुए तो अब लोग जागरूक होने लगे हैं। वैसे तो इंडिया में महिलाएं सोचती हैं कि हमारे लंबे बाल होने चाहिए, परंतु अब वो अपने लंबे बालों को डोनेट कर रही है अच्छे कोज के लिए कि उन पेशेंट्स के लिए एक विग बने और उस विग को पहन के अपनी खूबसूरती को मेंटेन कर सकती है, उनके अंदर एक आत्मविश्वास आ जाएगा, उनकी कॉन्फिडेंस आएगा, उनको खुशी होगी तो देखो मेरे बाल उड़ गए पर फिर भी विग लगाकर जब तक मेरे बाल वापस नहीं आते तब तक वो विग लगाकर अपने आप को समाज में और सब जगह प्रेजेंट कर सकती। एक हमेशा एक बात होती है बहुत सारे लोग काम तो करते हैं लेकिन सिर्फ वो फोटो के लिए होता है या पर्टिकुलर अपने नाम के लिए होता है, तो आपकी नज़र में क्या है काम जो है पूरा जीरो जीरो से स्टार्ट होकर टॉप अप जाना चाहिए या फिर जो है शॉर्टकट जाना चाहिए। देखो कितने भी करोड़पति लोग हैं, बड़े से बड़े लोग हैं, जब उनका नॉमिनेशन होता है किसी अवार्ड के लिए तो वहाँ पूछा जाता है क्या आपने कोई समाज सेवा की है, तो आप उसका प्रूफ दीजिए हमें तब आपको हम सम्मानित करेंगे अवार्ड देंगे। तब वो लोग ढूंढते हैं कि गरीब कहाँ मिलेगा, परेशान बंदा कहाँ मिलेगा, झोपड़ी कहाँ मिलेगी, बुढ़ा आदमी कहाँ मिलेगा, पीड़ित बंदा कहाँ मिलेगा, पीड़ित महिलाएं कहाँ मिलेगी, कई लोगों को ढूंढना पड़ता है। कई आपने बहुत बड़े बड़े बंगले देखे होंगे वहाँ पर एक गरीब की तस्वीर लगाकर देखते थे ये मॉडर्न आर्ट है, कि हम गरीबों को कितना चाहते हैं, ये चीज़ें दिखा हुआ। परंतु सत्य है कि बहुत सारी संस्थाएं वैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं इंडिया में जो रियल में सोशल वर्क कर रहे हैं, रियल में काम कर रहे हैं। उसमें एक रोटरी क्लब भी है और जो कि मैं रोटरी क्लब पन्ना से जुड़ा हुआ हूँ उसका प्रेसिडेंट हूँ अभी, तो हम खुद अपना समय अपना पैसा लगाकर समाज के लिए काम कर रहे हैं, पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, जितना हम कर सकते हैं कर रहे हैं, जितना हम अपना टाइम निकाल सकते हैं कोशिश करें कि हम ईमानदारी से काम करें, जब फोटो खिंचवा कर उसको फॉर्मेलिटी के रूप में नहीं लेकर हम सोशल वर्कर बन गए कुछ देर के लिए, फिर वापस उसी तरह से लूट मार में लग जाएं, भ्रष्टाचार शुरू करते हैं, गलत काम शुरू करते हैं, तो उस विचारधारा से मैं सहमत नहीं हूँ। जरूरत के साथ सोचा जाए तो जो भी किया है उदयपुर शहर में राजा महाराजाओं ने किया है, फतेह सागर, पिछोला, सीकी प्लेस, सैलों की बाड़ी, जो भी नाम ले जाए तो उदय सागर, जय समन, राज समन, जो भी आसपास जितने भी लेक्स हैं वो सब राजाओं के टाइम में बनी थी, परंतु पॉलिटिशियन ने कुछ नहीं बनाया और सुखाड़े जी ने सुखाड़े सड़कों बनाया या हिंदुस्तान जिंक लेकर आए, परंतु सौंदर्य के करण के लिए जो हमारी नेचर है उसको बचाने के लिए हमारे पॉलिटिकल लोगों ने प्रशासनिक लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसका हम नाम लेके बता सकते हैं कि उन लोगों ने किया है। तो ये बहुत चिंता वाली बात है, उदयपुर बहुत ही हाइट पे होना चाहिए था वो है नहीं। गवर्नमेंट का सर अभी काफ़ी ज़्यादा इस पर ध्यान जा रहा है, गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा वोटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पर भी ध्यान दे रही है और अभी हमारी सरकार भी यही प्रयास कर रही है कि हर घर में अब वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होना चाहिए ताकि जो बरसात का जो जल है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास में एकत्रित हो सके।
देखिए यदि कम खर्च में या गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, गवर्नमेंट तरफ से सभी घरों में पानी जमीन में जाने का सिस्टम, वाटर हार्वेस्टिंग जो लगता है तो ठीक है। बाकी किस बंदे के पास इतना पैसा है कि वो खर्च करके खुद घर में लगाएगा? कहाँ नॉलेज है? हमारी नॉलेज तो ये है कि अपने जमीन में कभी हम रेंट नहीं बनाते। हमें पता है कि हमारे पास पार्किंग के लिए जगह नहीं है, फिर भी हम गाड़ी खरीदते हैं। तो हमारी मानसिकता ये है कि हम पेड़ हैं तो पेड़ काट कर जमीन खरीदते हैं। और हमारी सरकार जितनी भी पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर उन्होंने होटल बनाने के लिए पहाड़ों को तोड़ कर काट कर और होटल्स बन रही है, तो प्रकृति को बचा कर रहे हैं। तो ये जब तक पूरे नेशनल लेवल पे जल पानी की पॉलिसीज नहीं होगी, पर्यावरण की पॉलिसीज नहीं होगी और स्थित रूप से लागू नहीं किया जाएगा, और मेन जिम्मेदारी प्रशासन और गवर्नमेंट की ही होती है। मैं 5 पेड़ लगाता हूँ उनका ध्यान रखता हूँ, परंतु गवर्नमेंट की पॉलिसी बन जाएगी कि प्रत्येक व्यक्ति 5 पेड़ लगाए और उसको हम सपोर्ट करेंगे, तो क्यों नहीं लगाएंगे? जब शौचालय बन जाता है तो कौन बंदा ऐसा जो शौचालय के बाहर जाके पेशाब करेगा? दोस्तों वैसे उदयपुर में अशोक जी से अमूमन मुलाकात होती रहती है, लेकिन आज कैमरे पर मुलाकात हुई और अशोक जी से दो बातें जो है वो आप हम सबको सीखनी चाहिए, इसको कहीं कहीं सपोर्ट भी करना चाहिए। एक तो अवार्ड का बाजारीकरण नहीं हो, इसके लिए मैं भी सहमत हूँ। वास्तव में किसी भी अवार्ड को आप मिलता है तो वो आपकी उस प्रतिभा का आपको मिलना चाहिए, अदरवाइज आप पैसे दे करके अवार्ड खरीद रहे हैं। और एक दूसरी बात और कि हेयर डोनेशन की, अगर ऐसे नीली लोग हैं और उसके लिए अगर आप सहमत हैं और आप उसके लायक हैं तो आप भी हेयर डोनेशन कर सकते हैं। और ऐसे लोगों के लिए अगर इस तरह की बात होती है तो ये हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा योगदान हमारी तरफ से होगा, जैसे ब्लड डोनेशन, प्लांटेशन और भी कई सारी चीज़ें होती है। लेकिन अशोक जी के साथ में मैं बात करने बैठा और बात जब कैमरे पे ही चली तो ये दोनों बातें हैं मैंने भी कहीं ना कहीं सहमति जताई है और मैं भी इसके लिए सहयोग करूँगा। और आगे भी इस तरह की कोई प्रतिभा होती तो उसके लिए हम आपसे बात करते रहेंगे। फिलहाल इजाजत चाहते हैं। धन्यवाद अशोक जी, आपसे मुलाकात हुई, अच्छा लगा। थैंक यू। और आप इसी तरह से सदैव प्रगति करते रहें, खुश रहें और लोगों को साथ बांटते रहें, यही हमारी शुभकामना।